जय हिंद सभी फौजी भाइयों को। आज एक ऐसा वीडियो लेके आपके सामने आया हूँ जो आपको रिटायरमेंट अगर हो गए हैं तो भी हेल्प करेगा, और रिटायरमेंट के लिए अगर प्लान कर रहे हैं तो भी हेल्प करेगा। आज जो मेरा वीडियो है टोटली SWP पे फोकस्ड है। SWP का मतलब होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। कैसे SIP करते हैं और ड्यूरिंग सर्विस SIP करने के बाद जब पेंशन जाते हैं तो SWP करते हैं। अब इसका कैसे आपको पेंशन के साथ आपका रेगुलर इनकम होगा, कैसे सैलरी के तौर पर हमेशा आपको पैसा मिलता रहेगा, ये डिटेल समझेंगे। तो इसको मैं लास्ट 10 ईयर्स के पूरे हिस्टोरिकल जो डेटा हैं उसको मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। मोबाइल में हर डे को मैंने NAV को ट्रैक किया है और आपको डिटेल रिसर्च दिया है। इसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके मैंने बनाया है, तो वीडियो को उम्मीद करता हूँ कि लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे। ऐसा डिटेल एनालिसिस आपको दूसरा कोई नहीं देगा। मोबाइल पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, और इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि जो हम ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं पेंशन जाने के पहले या पेंशन के समय, कि मंथली इन्वेस्टमेंट या फिर मंथली इनकम स्कीम करते हैं, MIS करते हैं, तो वहाँ पर हमें 7.4% का आज के डेट में रिटर्न मिलता है डाकघर में। लेकिन कैसे हम थोड़ा सा रिस्क ले लें और इनकम जनरेट करें, इसको हम सीखेंगे, जिससे कि आपको उससे दुगना तिगुना रिटर्न मिल जाए और आप बहुत अच्छा अपना वेल्थ क्रिएट कर पाएं। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर एक जो पॉइंट है इस वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं, और रिसर्च में आप भी पार्टिसिपेट कीजिए और देखिए एक बेहतरीन वीडियो। सब नंबर करेंगे तो ज़रूर स्क्रीन शॉट देकर करें कि आपने मेरा वीडियो देखा है, जिससे कि मैं समझ जाऊं कि आप मेरे सब्सक्राइबर हैं और मुझे आपको गाइड करना है कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि अदर्स कॉल भी जैसे आपके जरिए दूसरे कोई भी व्हाट्सअप करते हैं तो सबको मैं डिटेल समझा नहीं पाता हूँ। डिटेल पहले जानना होता है कि बेसिकली म्यूचुअल फंड क्या है, SIP क्या है, STP क्या है, SWP क्या है, देन उन्हें अच्छा गाइड कर पाता हूँ। तो रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप मेरे जरिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में भी दे दूंगा, वहाँ से आप इजीली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहला देखिए कि आपने देखा होगा अगर मेरे जरिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक म्यूचुअल फंड जो मैंने ऑलवेज आपको सजेस्ट किया है वो है ICIC प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट म्यूचुअल फंड। अब इसी म्यूचुअल फंड में हम क्या करते हैं, लमसम करते हैं। मान लीजिए आपने 5 लाख यहाँ डाला, मैं कभी नहीं कहता कि आप टोटली अमाउंट को रिस्क पे डाल दें। देखिए आप 5 लाख अगर रिटायर्ड होते हैं या फिर आपका जमीन पूर्वजों का है जो सेल होता है, भाई में डिस्ट्रीब्यूट होता है पैसा, तो वहाँ पर आपको कुछ रकम मिलती है जिसे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और रेगुलर इनकम जैसे मान लीजिए बच्चों का ट्यूशन फी है या फिर स्कूल का फी है, इन सब खर्चों से बचना चाहते हैं। तो 5 लाख मैंने यहाँ एग्जाम्पल लिया कि इन्वेस्टमेंट किया मैंने किस फंड में, ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट म्यूचुअल फंड में। लमसम जो मैंने किया, मैंने बताया 10 साल पीछे जाके मैंने डिटेल बताया जिससे कि आपको भरोसा हो सके। तो 1 जनवरी 2014 को मैंने ये कंसीडर किया कि 5 लाख रुपए हम लोग इस म्यूचुअल फंड में कर दिए। अब कोई ये कमेंट्स नहीं करना कि 5 लाख उस समय कहाँ से करता मैं, 5 लाख की वैल्यू ज़्यादा थी, ये थी, तो आज आप 10 लाख भी कर सकते हैं, तो ऑलमोस्ट डबल हो गया। तो अभी देखिए विड्रॉल जो अमाउंट है मंथली मैं क्या करूँगा, यहाँ मंथली देखिए पीरियड जो मंथली मैं कितना ले रहा हूँ, 5000 रुपये मैं उठा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। तो बहुत 5000 आपको कभी नहीं मिलेगा जब अगर आप पोस्ट ऑफिस में जाके MIS करें। तो यहाँ पर अब SWP जो डेट है वो है मेरा 1 तारीख, यानी फर्स्ट मंथ के 1 तारीख को ही मुझे चाहिए मेरे अकाउंट में पैसा। अगर 1st को संडे होता है तो 2 या 3 को मिलेगा, सैटरडे और संडे मार्केट क्लोज होता है, तो आपको कभी 3 तारीख को दिखेगा, कभी 1 तारीख को दिखेगा, ठीक है। तो SW जो स्टार्ट डेट है वो मेरा हो जाएगा 1 फरवरी 2014। अब यहाँ देखिए 1 महीना पहले 1 जनवरी 2014 को मैंने लमसम किया था 5 लाख का, ठीक है, और मैं वो SWP कर दिया उसमें 1 फरवरी 2014 से, यानी मुझे मिलेगा ये, मैंने जनवरी में ही 1 महीने बाद सेलेक्ट कर दिया। और अगर यहाँ SIP एंड डेट देखेंगे तो वो है 1 फरवरी 2024, ठीक है, 2024 का मैंने मान लिया।
ये 10 साल का टेन्योर मैंने ले लिया। अब देखिए ये स्कीम का नाम क्या हो गया, ये स्कीम का दिख रहा होगा, यानी ICICI प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट म्यूचुअल फंड। अब इसमें विड्रॉल पीरियड देखेंगे तो 1 फरवरी 2014 से 1 फरवरी 2024 तक। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट जो हमने विड्रॉ किया टोटल, वो 121 बार विड्रॉ किया मंथली। टोटल विड्रॉल अमाउंट कितना है, 6,05,000, और हमारा इन्वेस्टमेंट कितना था, 5,000। तो 6,05,000 ऑलरेडी हमने विड्रॉ कर लिया। अब करंट वैल्यू आपके अकाउंट में जो होगा, जो 5 लाख हमने डाला, वो होगा 12,13,960 रुपए। देखिए यहाँ चौंक जाएंगे, क्योंकि अगर आप MIS करते हैं तो 5 लाख ही आपकी वैल्यू, 5 लाख ही रहेगी, और आपको जो भी 2,000, 2,500, 3,000 जो भी मिले वो मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर जो रिटर्न है वो आपको मिला इस लास्ट 10 ईयर्स में 18.74% का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर शॉकिंग है, बिकॉज ऑफ कि मैं यहाँ डिटेल आपको बताऊंगा कि मार्केट गिरा भी, कोविड के समय मार्केट भी गिरा, उसके पहले भी मार्केट गिरा, तो रीज़न क्या था। मार्केट कंसोलिडेट फेज में भी गया 2022 में, फिर भी हमें रिटर्न मिला, ये कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर हर मंथ का डिटेल मैं NAV भी आपके लिए लेके आया हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने 1 तारीख को स्टार्ट किया अपना, तब मेरा NAV क्या था, NAV मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू, यानी आप जब बाय करते हैं तो एक यूनिट का प्राइस होता है, तो 5 लाख में आपको 62.51 के रुपीज के हिसाब से 7,998.72 यूनिट मिले। ये आपको क्लियर हो गया, जब इन दोनों से इंटू करेंगे तो आपका अमाउंट टोटल हो जाएगा करेंट वैल्यू 5 लाख रुपए। अब आप क्या करते हैं, 3/2 से स्टार्ट करते हैं रिडीम करना। 1 तारीख को मे बी संडे होगा, सैटरडे होगा, तो यहां पर 3/2 को आपके अकाउंट में आ गया कितना, 5,000। तो देखिए 5 लाख से 5,000 चला गया, आपका हो गया 4,80,000। अब आप देखेंगे कि 5 लाख से सर 4,80,000 कैसे हो गया, 20,000 मैंने कहां उठाया, मैं तो 5,000 उठाया हूं। यही मैं बताना चाहता हूं कि आपको क्या है, करंट वैल्यू मार्केट गिर गया, यहां NAV देखिए 62 रुपए पे आपने इन्वेस्टमेंट किया था लेकिन 60 रुपए हो गया, मार्केट गिरा है वहां, फिर 62 रुपए हो गया दूसरे महीने। इस तरह से मार्केट में अभी आपकी वैल्यू कभी कम कभी ज्यादा होगी, तो इस तरह से देखेंगे 5,000 हर महीने। ये देखिए 2015 में आपने लिया, 2016 में लिया, पूरे 2016 के बाद 2017 में लिया, 2017 के बाद 2018 में लिया, 2018 के बाद 2019 से स्टार्ट हुआ, फिर 2019 से 2020 में लिया। अब 2020 को भी मैं कंसीडर करता हूँ। देखिए 2020 में मेरा NAV जो 62 रुपये से स्टार्ट हुआ था वो 139.44 रुपये हो गए हैं, आप इनको समझिए। अभी देखिए 139 से फिर 111 हो गया, कोविड आया था मार्च में, मार्केट क्या था, कंप्लीटली लॉकडाउन था जिससे मार्केट गिरा था। अब ये 111 हो गया, तो आपका देखेंगे फिर वैल्यू कितना हो गया, 5,02,940 रुपये। अब यहां पर देखेंगे तो 150 रुपये ऑलरेडी NAV हो गया था, लेकिन 111 हो गया, तो मार्केट यहां से ब्रेक डाउन हुआ, मार्केट डाउन ट्रेंड में गया, लेकिन फिर कुछ महीने रुक जाइए 2021 में, फिर आपका 186 हो गया NAV, देख रहे हैं। फिर यही 2021 में 200 रुपये के NAV से भाग गया, मार्केट गिरता है, करेक्शन होता है, फिर आपको रिडीम आप रिटर्न देता है। तो ये लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और 5 लाख से 10 लाख तक का इन्वेस्टमेंट यहां कर सकते हैं। अब देखिए लास्ट में अगर आऊं 2024 जो हमारा 1 फरवरी था, तो यहां पर 352.65 रुपये का NAV हो गया है, और आपके पास यहां देखेंगे टोटल जो आपकी अभी बचे हुए अमाउंट है 12,13,960 रुपये, यानी कि आप इतना ज्यादा प्रॉफिटेबल हो गए। अभी देखिए यूनिट सेल जो कर रहे थे ना, 5,000 रुपये के लिए आपको 62 रुपये से कितना यूनिट सेल करना पड़ता, बहुत ज्यादा, लेकिन यहाँ 352 पे यूनिट कम सेल करना पड़ेगा, यानी आपका यूनिट का जो वैल्यू है वो बढ़ चुका है और आपको रिटर्न मिल रहा है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा दोस्तों के शेयर कीजिए, डाउट हो तो व्हाट्सअप कीजिए, व्हाट्सअप आप जरूर स्क्रीनशॉट के साथ कीजिए, तब मैं जल्दी अटेंड कर पाऊंगा, फिर आऊंगा डिटेल वीडियो के साथ। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको स्किप ना हो, छूटे ना, तो आप यहाँ सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं मैस्ट्रो इन्वेस्टर के साथ फिर से अनदर वीडियो में।